नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी की मदद से पाकिस्तान ने ये कारनामा किया। पाकिस्तान ने सीरीज के तीनों मुकाबलों में अपना दबदबा कायम रखा। वेस्टइंडीज की टीम में COVID-19 के नए मामले पाए जाने के बाद इस मैच के आयोजन पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन आखिर में इसमें रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लेकिन दोनों टीमों के बीच होने वाली वनडे सीरीज रद्द कर दी गई है, यानी अब वनडे सीरीज 2022 में खेली जाएगी। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। बाबर आजम ने 53 गेंदों में 79 रन की विस्फोटक पारी खेली। रिजवान ने 45 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 87 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ 6वीं बार शतक की साझेदारी की। मैच में पहले बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की टीम ने की और पाकिस्तान के सामने 208 रन का लक्ष्य रखा था। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने शानदार अर्धशतक पारी खेली और कप्तानी पारी भी कह सकते हैं। इसके अलावा ब्रुक ने भी 49 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 1 विकेट शाहनवाज धनी को मिला। इसी के साथ पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान T20 में एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। ये साल मोहम्मद रिजवान के लिए शानदार रहा। उन्होंने इस कैलेंडर ईयर में 55 से अधिक की औसत से रन बनाए। रिजवान ने 45 पारियों में 130 की स्ट्राइक रेट से 2000 रन बनाए। इस मैच में निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये फैसला वेस्टइंडीज के खिलाफ साबित हुआ और लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।